मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल अहद है। आज मेरी लड़की का दामाद साहब का जो है ना गुजर चुके हैं, कुछ इलेक्ट्रिक शॉक से हो गया है। और सुबह में वो घर पे दोनों ही थे, मेरे ख्याल से 10:30 बजे या 11 बजे के अंदर वो शॉक लग गया है। और उसका कुछ कोई देखे नहीं जब तक, फ़ोन तो करे 10 बजे, फ़ोन पे बात हुई थी लड़की से, फिर दोबारा मैं पलटा के करूँगी फ़ोन, बल्कि बोले थी बच्ची, उसके बाद फ्रेश होने के लिए बरल बाथरूम में करंट था शाम, तो उसके अंदर अब दोनों भी रह गए। अब यहाँ हम जो है मगरिब के टाइम 7 o'clock को उनको फ़ोन आया कि लड़की का, यानी जो लड़का है दामाद है उनके बहन का फ़ोन आया था हमको कि ऐसा फ़ोन भी नहीं उठा रहे हैं और दरवाजे भी नहीं खोल रहे। हम उसको डर हो रहा, पता नहीं चल रहा कुछ भी, हम भी फ़ोन करें। उसके बाद हम घर पे पहुँचे, घर पे पहुँचने के बाद देखे तो हम भी आवाज़ करे, बहुत कुछ दरवाजे मारे, आवाज़ उस पर कोई भी नहीं आ रहे थे। हमको डाउट था इसी तरीके से इलेक्ट्रिक का ही है था। तो हम पहले मेन ऑफ़ कर दिए, मेन ऑफ़ करने के बाद, करंट ऑफ़ करने के बाद हम खिड़की के डोर के आईने तोड़ दिया। हमें आईने तोड़ने के बाद क्लिप्स निकाल के तो जो भी विंडो के पट रहे थे वो खोल दे के ग्रिल को बड़ी मुश्किल से निकाले, निकालने में 20 मिनट लग गए वो निकालने में, स्क्रू खुल रहे नहीं थे, बहरहाल इधर उधर भर के निकाले ग्रिल को। उसके बाद मैं ठहरा और हमारे दामाद के बहन इंटर हुए खिड़की में से ही, और मैं भी इंटर हुआ खिड़की में से। इंटर होने के बाद बहरहाल नज़ारा देखे तो बहरहाल एक सिचुएशन ऐसा समझ में आया वहाँ पे कि लड़की को पहले शॉट लग गया, पकड़ लिया था, उसके बाद दामाद बचाने जाके कदम रख दिए बाथरूम में, इसके लिए दोनों को भी शॉट लग गया। शॉट कैसा लगा साहब, कहाँ से? इधर के बटन्स ऑन थे जी, और मैं जब गया पहले मेन ऑफ करके गया वहाँ पे जी, पहले मेन ऑफ करके गया, उसके बाद करंट खोले ही नहीं, आखिरी तक भी अंधेरा ही था वहाँ पे। बहरहाल फ़ोन के लाइटों में जो भी है निकालना करना ऐसा करे। उसके बाद खिड़की असल पट खुल रहा नहीं था, मैं घर के सामने वालों से सब बल वगैरह ऐसा कुछ मंगाया, राड लाए तो कुछ जल्दी निकल जाएगा, बहरहाल लाने लाने में रह गए, इधर उधर करके खोल दिए खिड़की का पट वगैरह निकाल दिया। उसके बाद इंटर हो गए। कब पहुँचे आप शाम? मैं 8 बजे पहुँचा, 8 बजे पहुँचा भाई, 8 बजे, 8 बजे पहुँचा। 8 बजे से निकालने की कोशिश में करीब एक 20 मिनट तो लग गया। पुलिस को कब इन्फॉर्म किया? जब भी अब उसके बाद ही इन्फॉर्म कर दिया है जी, मतलब जैसे इंटर हुए उसके बाद फटाफट वो हमारे पड़ोसी हैं आजम भाई वगैरह सब आए, जल्दी जल्दी फिर एम्बुलेंस आए, चेक करे। ये लोगों को डॉक्टर थे, ये दोनों भी डॉक्टर्स हैं, लड़का MD करावा है, लड़की MBBS ऑलरेडी कर रहा है। 11:30 PM हमारे को एक इन्फॉर्मेशन आया, हमारा लंगर हाउस प्रेमिसेस में कादरबाग में एक हस्बैंड एंड वाइफ है, उनका घर में बाथरूम में वो नीचे गिर गए। वो कैसा मालूम हो गया है कि वो दोनों, उनका शादी होके 2 महीने हो गया, 2 महीने के वो दोनों डॉक्टर से वुमेन MBBS फाइनल ईयर अभी पढ़ रहा, एंड उन्हें डॉक्टर है, हस्बैंड डॉक्टर है। उन्हें कल नाइट सूर्यापेटे से आया, आने के बाद आज मॉर्निंग उन्हें वुमेन है ना सैमा, एंड हस्बैंड का नाम है सैयद नसीरुद्दीन। सैमा उनका फादर से मॉर्निंग 10 o'clock बात करे, बात करने के बाद उन्हें क्या बोला, मैं फिर बात करता हूँ, अभी मेरे को कुछ काम है बोली, तो उन्हें कट करा। उनका फादर बार बार फ़ोन करे, कोई भी लिफ्ट नहीं करे, हस्बैंड को भी करे, उन्हें भी लिफ्ट नहीं करे। तो उनके कुछ डाउट आया, एंड हस्बैंड का ब्रदर होता है ना, उनको फ़ोन करे, फ़ोन करके एक बार ऊपर जाके चेक करो, मेरा फ़ोन नहीं लिफ्ट करे बोले, तो उन्हें भी गया, कितना डोर मारे तो उन्हें नहीं लिफ्ट, उन्हें ओपन नहीं करे। तो इन्हें भी उनका घर से, उनका घर है टोली चौकी है, टोली चौकी में से कादरबाग आके विंडो का ग्रिल होता है ना वो निकाल के अंदर गए। अंदर पहले उनका डाउट आए तो उन्हें मेन स्विच ऑफ करे, करने के बाद विंडोज ग्रिल से ओपन करके अंदर चले जाके देखे तो बाथरूम का बेडरूम का अटैच बाथरूम है, उसमें दोनों गिर गए। पूरा डिटेल्स नहीं मालूम है अभी तक उन्हें कैसा
जस्ट अभी क्या है, उन्हें करंट शॉक से ऐसा हुआ, जस्ट अभी क्या बोलता अनुमान आइडिया, अभी उतना ही से हम उतना ही मालूम है। फिर हम OGH को भेजा, फिर PME कंडक्ट करने के बाद रिपोर्ट्स आने के बाद पूरा डिटेल्स आपको बोल। थैंक यू।